ऋषभ, ऋषभ बेटा उठ जा, उठ जा बेटा, जल्दी दादी, जल्दी दादी, मेडिसिन, एक मिनट, ये तुम लाई हो दवाई? हाँ दवाई तुम लाई हो, उठ जा बेटा, तुम नहीं लाई हो ना, तुम कैसे दोगी उसे दवाई? बुआ जी कैसी बात कर रही हैं आप? यारा ऋषभ की पत्नी है, कमलपुरा के रीति रिवाज से और हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो पत्नी को करना चाहिए वो काम रैना ने किया है, इसने नहीं। अब भी मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका फैसला मैं करूंगी, समझे? दे बेटा, दे उसे दवाई। नहीं दादी, ये मेरा हक नहीं है, ये हक उनका है जिन्होंने ऋषभ को जन्म दिया है, प्यार दिया है। देखा, आपने ऋषभ को जीवन दिया है, जीवन दान भी आप ही देंगी। नहीं रैना, मैं आंटी, आपने इसे जन्म दिया है ना, तो दूसरा जन्म भी आप ही देंगी। इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया मिटा। ऋषभ उठो ना, ये उठ क्यों नहीं रहा, ये उठ क्यों नहीं रहा? दादी ऋषभ उठ क्यों नहीं रहा, क्या क्या मैंने आने में देर? नहीं बेटा तू ढंग देर नहीं की ऋषभ, ये तो वही बूटी है ना जो मैं उस पेड़ से लाई थी, तो ऋषभ को तो उठना चाहिए ना। ओह नो, हाथ से आके निकल गई। एक काम करती हूँ, मैं जाकर ना कनक राज जी से ही बात करती हूँ, वो मुझे बताएंगे। ऋषभ भैया उठ गए, ऋषभ भैया उठ गए। चंदी कहाँ हो तुम? ये क्या है? अरे वाह, चिंदी ने बनाया है। ये कैसा स्केच है? ये नकाब पोश आदमी कौन है? क्या मतलब है इसका? चिंदी मेरे बारे में सोचती तो है, पर
अनर्थ, घोर अनर्थ। इतनी विद्या हासिल की है मैंने, आखिर मैं ये क्यों नहीं समझ पाया? ये बूटी ऐसी ही काम नहीं आने वाली। अरे पर ऋषभ तो इसे पी के ठीक हो गया था ना मॉम? क्योंकि रैना ये बूटी ऋषभ के लिए लाई थी और हमने ये बूटी ब्रह्म राक्षस के लिए चुराई थी। तो फिर इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है रैना। मतलब? ये बूटी हमें एक ऐसे इंसान को पिलानी होगी जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल में इसको पाने की तमन्ना ना हो। उसके बाद हमें चांदी की सुई से उस इंसान का खून लेकर ब्रह्म राक्षस को देना होगा। नहीं, मैं रैना का इस्तेमाल नहीं करूंगी। हम रैना का इस्तेमाल नहीं करोगी? करना ही पड़ेगा। युग वो लड़की बहुत चालाक है और वैसे ही वो बहुत कुछ जानती है। उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तो फिर आप किसे यूज करोगे? कनकराज, क्या इस काम के लिए भी वैसी ही कुंडली चाहिए जैसी रैना की है? नहीं, ऐसा चाहिए जिसका दिल साफ हो, जिसके दिल में बूटी के लिए लालच ना हो। तो फिर ठीक है, काम हो गया। समझो, मिल गया हमें ऐसा इंसान, नैना। मॉम, नैना, शी इज एब्सोल्युटली यूजलेस। तो उसे यूजफुल बना योग। बस वही तो एक लड़की है जो बिल्कुल सीधी सादी है, लेकिन बेवकूफ भी। हमारा काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। क्या करिए? सॉरी, मैं ना उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। एक काम कर, ये तो क्लासेस ले जा और उनको दे दे। लेकिन याद रहे, ये रैना का और ये ऋषभ का। इसमें ग्रेप जूस है और इसमें शैंपेन, इसलिए ये वाला ऋषभ को ही देना। ओके। मिताली, कौन सा ग्लास रैना का है? ये वाला। सुपर, जा। ऐसी चीज मिलाई है इस ड्रिंक में मैंने कि रैना तुम ही बनोगी इस ब्रह्म राक्षस की शक्ति। मुझे नहीं पता कैसे। देखो, झूठ मत बोलना। तुम इन गुलाबों की कसम जो तुमने मेरे कमरे में लगाए थे। तुम्हें कैसे पता? पता तो मुझे हमेशा से ही था, बस एहसास नहीं हुआ था। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्यों तुम मेरी इतनी फिक्र करती। और तो वे जाके तुम हमेशा मेरी परवाह करती थी, मैं कभी समझ ही नहीं सका। हेलो। हाँ, इसके जूलर्स, मुझे एक ऑर्डर देना है। हाँ, अभी, आई मीन रात को। या यू चूड़ी किसके लिए बनवा रहे? शायद कमों के लिए। एक तरफ मुझे शैंपेन पिलाकर मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं और एक तरफ कमों के लिए ज्वेलरी बनवा रहे। मैं भी तो देखूं ये आदमी कितना नीचे गिर सकता है। ये गोलियां, इसे जो खाता है उसे कुछ याद नहीं रहता। इन गोलियों की जरूरत तो हमें सबसे ज्यादा रैना के लिए पड़ेगी। खीर बना रही हूँ तेरे लिए रैना, और अब इस खीर में डालूंगी ढेर सारा माँ का प्यार।